स्वागत है जैन साहब आपका। बताएं सर, कौन सा जेम्स आज आप ढूंढ कर लाए हैं, बताइए सर। बिल्कुल अनिल जी, एक बेहतरीन कंपनी। अगेन देखिए, आज जिस तरीके से माहौल बना हुआ है अपोलो हॉस्पिटल्स की वजह से, हमारे जो मालामाल वीकली स्टॉक है दूसरा, और जो जैन साहब के जेम्स भी मैंने दिया हुआ है, इंद्रप्रस्थ मेडिकल जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है, और वैसे ही कल भी मैंने फार्मा की दो कंपनियां लाई थी, वो भी जबरदस्त परफॉर्म की, और आज भी एक बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी फार्मा कंपनी है, और वो है कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज। और ये स्टॉक भी गजब का स्टॉक है, मतलब सबसे बढ़िया बात है फंडामेंटल्स, आश्चर्यजनक फंडामेंटल्स है। सबसे बढ़िया बात है जो ग्रोथ के नंबर्स, जो रिटर्न नंबर्स, सब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मिड कैप कंपनीज है। 3,800 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, और 1990 में ये कंपनी आई थी, ऑइंटमेंट्स और कई क्रीम्स और एक्सटर्नल एप्लीकेशंस वाली चीजें बनाती है। करीब 2800 प्रोडक्ट लाइसेंसेस है कंपनी के पास अक्रॉस द ग्लोब, और काफी बड़ा इनका डोमिनेंट पोजीशन है लैटिन अमेरिका में, जो लैटिन मार्केट्स में ये काम करते हैं, तो वहां बहुत जबरदस्त ग्रोथ आ रही है। और एक कंपनी बोस्ट करती है, देखिए आप, जबरदस्त एक लाइन बोली है कंपनी ने कि जो इनकी टॉप लाइन थी 2010 में वो बॉटम लाइन बन गई 2016 में। तो आप ग्रोथ की रेट देखिए किस तरीके से टॉप लाइन वाला बॉटम लाइन हो गया, और कई स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके शेयर्स के भाव थे और ऑप्शन का प्रीमियम जैसा हो गया, तो ये रिवर्स में कंपनी की ग्रोथ रेट देखिए आप। और डेट फ्री बिजनेस मॉडल है जबरदस्त, इन्होंने डेट फ्री बिजनेस मॉडल, क्योंकि फार्मा कंपनीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेट फ्री हो और साथ में अच्छी ग्रोथ हो, तो सिर्फ 17 के पी मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल है, 37-38 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 30 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, डिविडेंड देती है, 4% का डिविडेंड यील्ड है। उससे बढ़िया बात यह है कि जो ग्रोथ है पिछले 5 साल की ग्रोथ करीब 38% की है सेल्स में, और प्रॉफिट में है करीब 52% के लगभग, और इक्विटी भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, 15 करोड़ की इक्विटी है। और उसमें जो मुझे सबसे बढ़िया बात लगी, इनका सितंबर का क्वार्टर, जून का क्वार्टर बहुत बेहतरीन है, और जून के क्वार्टर, सितंबर का क्वार्टर 57 करोड़ 2019 में भी था, और 57 करोड़ मेंटेन्ड है सितंबर 2020 में भी। और जिस तरीके से आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी इस साल थोड़ा सा कम जरूर आया, बट पहले ये 60-60, 50-50, 70 के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी ये लोग काम कर रहे थे, और उसके सामने देखिए जीरो डेट कंपनी है, और प्रोमोटर्स की करीब 70% की स्टेक है, एफआईआईज भी करीब इन्होंने 3-4% की स्टेक मेंटेन करते हैं। सो ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक, मुझे लगता है 590 से लेकर 600, 570 से 590 का पहला टारगेट, और इवन 600 के लेवल्स भी ये स्टॉक बहुत आराम से क्रॉस करेगा। ओके, तो 570 590 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए कैपलिन पॉइंट, ये है आपके लिए जैन साहब की तरफ से रिकमेंडेशन। 5% ऊपर स्टॉक दिख रहा है। कुछ और कॉल्स आपके लिए तैयार हैं, चलते हैं शुभम जी के पास। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई।